साउथ के सुपरस्टार कमल हासन राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। जल्द ही ये मदुरै में नई पार्टी लाने का ऐलान करने वाले हैं। 63 साल के कमल का कॉन्ट्रोवर्सी से भले ही खास नाता रहा है, लेकिन ये साउथ ही नहीं हिंदी इंडस्ट्री में भी बहुत पॉपुलर रहे हैं। इनकी लाइफ से जुड़े कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इन्हें 27 अप्रैल 2002 को टोरंटो एयरपोर्ट पर मुस्लिम आतंकवादी समझकर पकड़ लिया गया था, वो भी सिर्फ उनके नाम और लुक्स की वजह से। आज के इस पैकेज में पढ़ें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्रिमिनल लॉयर के बेटे हैं कमल। 7 नवंबर 1954 में जन्मे साउथ के सुपरस्टार कमल हासन क्रिमिनल लॉयर डी श्रीनिवास और राजलक्ष्मी हाउसवाइफ के बेटे हैं। इन्होंने 4 साल में तमिल फिल्म कलातूर कनमा से डेब्यू किया था, जिसमें उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्रेसिडेंस गोल्ड मेडल भी दिया गया था। दाश कुछ फिल्मों में बत और चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद 1975 में इन्हें अपूर्वार गैंगल में लीड रोल मिला था। इस फिल्म के लिए इन्होंने पहला नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। वहीं मणिरत्नम की तमिल फिल्म नयागन 1987 को टाइम मैगजीन में सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में शामिल किया गया था। कमल हासन ने अपने करियर में हमेशा डिफरेंट रोल प्ले किए हैं, साथ ही अपने लुक्स पर भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। चाची 420 में एक बुजुर्ग महिला का रोल हो या अपूराजा में बौने व्यक्ति का खूब सराहा गया। वहीं दासवतरम में इन्होंने 10 अलग अलग कैरेक्टर प्ले किए थे। कमल अकेले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। साथ ही इसी फिल्म के लिए इन्हें सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया था। दाश कमल ऐसे पहले इंडियन एक्टर थे जो 1994 में एक फिल्म के लिए 1 करोड़ फीस लिया करते थे। इनसे पहले 1970 से 1987 के दौरान राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन हाईएस्ट पेड एक्टर हुआ करते थे, लेकिन 1988 से 1998 के बीच कमल हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के स्टेटस की बराबरी करने लगे। बता दें कि कुछ सुपरहिट हिंदी फिल्में देने के बाद इन्होंने मुंबई छोड़ दी थी। कमल तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और हिंदी जैसी कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक दूजे के लिए, सदमा, पुष्पक, अपूराजा और सागर जैसी फिल्मों में निभाए इनके कैरेक्टर को आज भी याद किया जाता है। ये एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्हें 18 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। दाश कमल अपनी फिल्मों में इनोवेटिव एक्शन सीन करने के लिए भी जाने जाते हैं। 2001 में आई फिल्म अभय में इन्होंने बेहतरीन स्टंट किए हैं। कई बैक इंजरी होने के बावजूद इन्होंने इस फिल्म के लिए बंजी जंपिंग की थी। ये एक्शन स्टार जैकी चैन के बहुत बड़े फैन हैं।